कोरोना संक्रमण के इस दौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी में नियमों का जमकर मजाक उड़ाया गया। शादी नेताजी के यहाँ थी, सो सरकारी अधिकारी भी क्या करते, आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहे। कोंडागांव में कोरोना संक्रमित केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोंडागांव जिले की बात करें तो अब तक 2030 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 78 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने 16 मई तक लॉकडाउन किया है। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने में आई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे गजेंद्र मरकाम की धूमधाम से शादी हुई है। शादी में 50 लोगों की बजाय सैकड़ों लोग शामिल हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यह अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। विवाह समारोह में जिस तरीके से लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर नाच रहे हैं, जिस वक्त नेताजी के यहाँ शादी में कोरोना नियमों की मजाक उड़ाया गया है, वहीं प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोरोना काल में नियमों का पालन करवा सके। पूर्व मंत्री माननीय लता उसेंडी जी तथाकथित वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जारी कर ये कह रही है कि मोहन मरकाम विधायक के भतीजे की शादी है। वैसे भी गांव में कोई मामा फूफा रिश्तेदार नातेदार भतीजे सब होते हैं, मगर ये कहना कि मोहन मरकाम का भतीजा है, सचमुच में मेरे रिश्तेदारों की जानकारी चाहिए तो मेरे वंशावली निकाल ले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।